छात्र छात्राओं नमस्कार। एमएस कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अब अपने बात कर रहे थे कि बीए पार्ट सेकंड में जो ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल, उस मानव भूगोल के बारे में, तो मानव भूगोल के अपने सिद्धांत चल रहे थे। उन सिद्धांतों में जो अपने शेष सिद्धांत रहे थे, वैसे मूलभूत चार सिद्धांत हैं। उन चार सिद्धांतों में अपना जो तीसरा सिद्धांत है, वातावरण समायोजन व श्रेणी संगठन का सिद्धांत, वातावरण मानव भूगोल के आधुनिक सिद्धांत, इसमें पहला सिद्धांत था क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत व दूसरा है मानव भूगोल के आधुनिक सिद्धांत। मानव भूगोल के आधुनिक सिद्धांतों में अब दूसरा है पार्थिव एकता व अंतर संबंध का सिद्धांत, दूसरा पार्थिव एकता व अंतर संबंध का सिद्धांत, पार्थिव एकता व अंतर संबंध का सिद्धांत, ये दो सिद्धांत है। इसके अलावा जो तीसरा सिद्धांत है, वो सिद्धांत है अपना वातावरण समायोजन का सिद्धांत, वातावरण समायोजन का सिद्धांत। अब जो वातावरण समायोजन का सिद्धांत है, इस वातावरण समायोजन का सिद्धांत को एक नाम से यानी श्रेणी संगठन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। श्रेणी संगठन का सिद्धांत, श्रेणी संगठन का सिद्धांत, ये तीसरा सिद्धांत वातावरण समायोजन का सिद्धांत। वातावरण समायोजन का सिद्धांत विभिन्न, अब इसमें अपने को समझने की बात यही है कि जो वातावरण जो समायोजन है, अब ये वातावरण समायोजन किसकी साथ में हो रहा है? मानव के साथ। अब मानव यदि वातावरण के साथ समायोजन कर रहा है, तो अपना जो सैद्धांतिक पक्ष है वो क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। मजबूत होने से अपने प्राकृतिक जो परिवेश हुआ है उसमें क्या हो जाता है? एक संगठन बन जाता है। उस संगठन बनने की वजह से एक अच्छी से अच्छी फैल विकसित होती है। अब जो वातावरण यानी विभिन्न प्रदेशों के वातावरण द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के अंदर वहाँ के निवासी अपनी आवश्यकताओं, क्षमताओं और छांट के अनुसार, वातावरण के अनुसार समायोजन करके उन प्रदेशों के क्षेत्र संगठन करता है। यानी आवश्यकताओं, क्षमताओं और छांट के अनुसार, वातावरण के अनुसार समायोजन करके समायोजन का संगठन करता है। जैसे मान के चलो अपने इंडिया की जो आर्मी है, उस इंडिया की आर्मी से संबंधित अपना यदि कोई एग्जाम्पल लेना चाहिए तो उससे अपने को स्पष्ट होता है। जैसे अपनी इंडिया की जो आर्मी है, अब इंडिया की जो आर्मी है उसमें एक तो क्या होता है कि जो जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, अब पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे लद्दाख है, ग्लेशियर है, इन क्षेत्र में क्या बर्फ़ जमा होती है? अब बर्फ़ जमा होती है तो यदि वहाँ किसी सैनिक को अचानक वहाँ ग्लेशियर में ड्यूटी लगाते तो वो क्या एडजस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो
उस चीज को धीरे धीरे उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले उसको एडजस्ट करने के लिए उसको फॉलो करवाया जाता है, उसके ट्रेनिंग करवाई जाती है, और ट्रेनिंग करवाने के पश्चात उसको उस क्षेत्र में भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो वातावरण है, उससे समायोजन कर सके, एडजस्टेबल हो सके, इसलिए उस क्षेत्र के बारे में उनको उस क्षेत्र में भेजा जाता है। तो वो अपने के आवश्यकताओं की पूर्ति, अब ग्लेशियर में है तो ग्लेशियर में -50 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है, तापमान रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, धीरे धीरे वातावरण से समायोजन करता है, और वातावरण से समायोजन करके अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के अकॉर्डिंग कार्य करता रहता है। ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के भिन्न भिन्न तत्व मनुष्य के भोजन, यानी प्राकृतिक व सांस्कृतिक तत्वों के भिन्न भिन्न मनुष्य के भोजन, वस्त्र, निवास, व्यवसाय और सामाजिक संस्कृति पर प्रभाव डालते हैं। सामाजिक संस्कृति पर क्या डालते हैं? प्रभाव डालते हैं। मनुष्य उनके प्रभावों के अनुसार ही अपने रहन सहन का अनुकूल करता है, यानी मनुष्य उनके प्रभावों के अनुसार ही अपने रहन सहन का अनुकूलन करता है, और इसके अलावा भी वातावरण में कुछ क्रियाएं करता है, इन क्रियाओं को वातावरण समायोजन कहा जाता है। यानी समझ में आ गया, सीधी सी बात है कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के भिन्न भिन्न तत्व मनुष्य के, जैसे भोजन, वस्त्र, निवास, व्यवसाय और सामाजिक संस्कृति पर प्रभाव डालते हैं, तो मनुष्य उनके प्रभावों के अनुसार ही अपने रहन सहन का अनुकूलन करता है, और इसके अलावा भी वातावरण में कुछ क्रियाएं करता है, इन क्रियाओं को वातावरण समायोजन कहा जाता है। स्पष्ट। अब इसके बाद में जो अपना फोर्थ सिद्धांत है वो है क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत। फोर्थ है क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत। यानी क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि जैसा क्षेत्र है वैसा ही मानव अपने आप में वातावरण के साथ समायोजन करता है, और वातावरण के समायोजन करके उससे अपने आप में एडजस्टेबल हो पाता है। क्षेत्रीय विभिन्नता, जैसे मान के चलो, अब जैसे अपने राजस्थान की बात कर दो, जैसे राजस्थान में जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, तो उस क्षेत्र में क्या है, मरुस्थल अधिक है, तो मरुस्थल अधिक है तो मई जून के महीने में वहाँ टेम्परेचर अधिक रहता है, अधिक टेम्परेचर रहने की वजह से वहाँ क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। अब यदि उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किसी अन्य आदमी को वहाँ ले जाकर छोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा, यानी वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाएगा, और वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाएगा तो उसकी तबीयत क्या हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। तो वही क्या है कि मनुष्य को सबसे पहले वातावरण के अकॉर्डिंग उसमें क्या अपने आप को समायोजित करता है, वही इसमें वातावरण क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत बताता है। अब मानव भूगोल भूतल के विभिन्न भागों में, जैसे मानव भूगोल भूतल के विभिन्न भागों में निवास करने वाले मानव समूह, यानी मानव समूह और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों व आंतरिक क्रियाओं तथा उनसे उत्पन्न सांस्कृतिक भूदृश्यों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। यानी मान के चलो वो अपने आप में एक वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है, वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है, तो क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत मानव भूगोल भूतल के विभिन्न भागों में निवास करने वाले मानव समूह और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों व आंतरिक क्रियाओं तथा उनसे उत्पन्न सांस्कृतिक भूदृश्यों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो भूतल के एक स्थान का वातावरण दूसरे स्थान के वातावरण से कई प्रकार से भिन्न होता है, यानी भूतल के एक स्थान का वातावरण दूसरे स्थान के वातावरण से कई प्रकार से भिन्न होता है।
अतः विभिन्न स्थानों या क्षेत्रों के सांस्कृतिक भूदृश्य भी प्राय एक समान नहीं होते। इसलिए मानव भूगोल के तथ्यों के विश्लेषण में क्षेत्रीय विभिन्नता का भौतिक महत्व है, यानी भौतिक क्रियाओं का समायोजन होता है और भौतिक क्रियाओं के समायोजन की वजह से वहाँ अपने आप में समायोजित करता है। यानी प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हेटनर ने क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का क्या किया था, वैज्ञानिक पक्ष रखा था और वैज्ञानिक पक्ष में उन्होंने स्पष्ट किया था, किसने, हेटनर महोदय ने, यानी हेटनर महोदय ने क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब जो ये हेटनर महोदय का क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत है, आरएसएमएस में पूछा गया था कि क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत हेटनर महोदय ने दिया। अब ये क्षेत्रीय विभिन्नता, यानी अभी अपने बात कर रहे थे, यानी अपना जो भारत देश है या अपना यूनिवर्स है या अपना वर्ल्ड है, उसमें एक जगह सभी जगह, यानी सभी जगह समान वातावरण नहीं रहता, कहीं सर्दी अधिक पड़ती है तो कहीं गर्मी अधिक पड़ती है, कहीं तापमान समान रहता है तो कहीं तापमान न्यून रहता है। तो ये इन चीजों को देखते हुए, यानी कई जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप में हमेशा क्या पड़ती रहती है, बर्फ जमी रहती है। अब वहाँ बर्फ जमी रहती है तो वहाँ जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में वही बर्फ है, दक्षिणी गोलार्ध में बर्फ जमती है। तो इस क्षेत्र में क्या है, वहाँ के लोग उसके अकॉर्डिंग, यानी अपने अपने यूनिवर्स में कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ छः महीने के दिन और छः महीने की रात होती है। तो जिस स्थान पर छः महीने का दिन हो रहा है और छः महीने तक कोई नाइट नहीं हो रही, रात नहीं हो रही, तो वो लोग क्या करते हैं, यानी वातावरण के अनुकूल अपने आप को समायोजित करते हैं और समायोजित करने के पश्चात उसके अनुरूप ढाल लेते हैं। वो ही क्या है, क्षेत्रीय एकता का सिद्धांत कहलाता है। अब मानव प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता हेटनर ने क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का जो प्रतिपादन कर, उन्होंने भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान कोरोलॉजिकल साइंस माना, यानी कोरोलॉजिकल साइंस माना, क्षेत्रीय विज्ञान कोरोलॉजिकल साइंस माना और बताया कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन है। उन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी क्षेत्रों का अध्ययन है, क्षेत्रों का अध्ययन है। जैसे मान के चलो अपना भारत है तो वो अपना भारत है, कई उसमें बटा हुआ है, कहीं रेत है, कहीं कठोर मिट्टी है, कहीं नदियां हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, तो वो क्या है, क्षेत्रीय विभिन्नताएं तो है। तो उन क्षेत्र विभिन्नताओं को ध्यान में रख के क्षेत्रीय विभिन्नताओं को ध्यान में रखते इन चीजों का अपने आप में एक समायोजन है। अब माना और बताया कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन है और यह क्षेत्र एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब मानव भूगोल में जिन सांस्कृतिक भूदृश्यों तथा तथ्यों का अध्ययन किया जाता है वह स्थानांतरण से भिन्न होते हैं, यानी स्थानांतरण से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी स्थानांतरण से भिन्न होते हैं। स्थानांतरण शब्द, अब जो स्थानांतरण शब्द है, ये स्थानांतरण शब्द यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक जाति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। अब इसमें इस शब्द को प्रवास भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रवास भी कह सकते हैं। अब प्रवास किसके आधार पर हो रहा है, प्रवास भी वातावरण के अनुकूलिंग हो रहा है, वातावरण के अनुसार ही प्रवास होता है। यदि वातावरण जिस जगह का सही है तो प्रवास भी, अब जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पर बकरवाल गुजर हैं
अब बकरवाल गुर्जर जो जनजाति है वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, सर्दी के दिनों में वो क्या करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं और सर्दी के दिनों में नीचे आ जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र की तलहटी में, और गर्मियों में पहाड़ी क्षेत्र में चले जाते हैं, वहाँ जाके क्या करते हैं, अपने जो मवेशी हैं पशु पक्षी हैं उनको क्या करते हैं, उनका उनका पालन पोषण करते हैं और उनके अपने उनसे अपनी आजीविका का एक स्रोत बनाते हैं। तो मानव भूगोल में जिन सांस्कृतिक मुद्रासुत तथ्यों का अध्ययन किया जाता है वह स्थानांतरण से भिन्न भिन्न होते हैं, और इन विभिन्नताओं में भी मिलते जुलते गुणों के आधार पर प्रदेशों का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। अब इन चारों सिद्धांतों से यही एक मूलभूत रचना स्पष्ट होती है कि जो मानव भूगोल के आधुनिक सिद्धांत हैं, ये मानव भूगोल के आधुनिक सिद्धांतों में जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है, पार्थिव एकता व असमर्थता का सिद्धांत, वातावरण समवेदनता का सिद्धांत, श्रेणी संगठन का सिद्धांत व क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत, तो ये चारों सिद्धांत ये स्पष्ट करते हैं, मानव भूगोल की विवेचना प्रस्तुत करते हैं कि मानव अपने आप में क्रियाशीलता के सिद्धांत को प्रभावित करता है, और प्रभावित करने से वो एक स्थान से दूसरे स्थान को अनुगामी बनाता है। अनुगामी बनाने की वजह से आर्थिक यानी पार्थिव एकता व असमर्थता का सिद्धांत स्पष्ट होता है। अब जो वातावरण समायोजन का सिद्धांत, श्रेणी संगठन का सिद्धांत, क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत, ये सारे किस पे लागू होते हैं, मानव जाति के। अब अपना अपने किसका अध्ययन कर रहे हैं, मानव का अध्ययन कर रहे हैं, यानी अपना जो सब्जेक्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल, तो मानव भूगोल में किसका अध्ययन कर रहे हैं, मानव का कर रहे हैं। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जैसे मानव भूगोल है तो मानव भूगोल में सबसे पहले मानव आया कहाँ से, मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी कई लोग तो बोलते हैं बता दें मध्य एशिया से ये वेगिस जाति का उद्भव हुआ, लेकिन कई लोग कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ, लेकिन जितना क्राइटेरिया एरिया जो था वो मानव भूगोल का उद्भव क्षेत्र माना जाता है। अब इसमें कई भूगोलवेताओं में क्या है मतभेद बताए, कई कह रहे हैं, लेकिन जो मध्य एशिया वाले कह रहे हैं कि मध्य एशिया में मानव भूगोल का एक जन्म हुआ था और उसके बाद में उसका एक प्रादुर्भाव उत्पन्न हुआ, जिसमें ये मानव भूगोल के चारों सिद्धांत हैं उसकी क्या करते हैं विवेचना करते हैं। अब अपने इसके बाद में अपना जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। छात्रों धन्यवाद।